ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 26 दिसंबर 2018 बुधवार का दिन है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। अश्लेषा नक्षत्र है। कर्क राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो धनिया खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 यानी 1:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या फिर नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन, इन 7 राशि वालों को मिलेगी नई सौगात। कर्क क्षेत्र में इनको उन्नति और प्रगति प्राप्त होने वाली है। कर्क क्षेत्र में एक नई ऊंचाई भी इनको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा इनको कोई ऐसी सौगात मिल सकती है जिसका बहुत दिनों से इनको इंतजार था। साथ ही पारिवारिक स्थिति भी इनकी सुदृढ़ होगी और परिवार में कोई नई खुशखबरी मिल सकती है। विवाह का योग भी इनका बनने वाला है। यदि अविवाहित है तो विवाह का रिश्ता भी आ सकता है, या फिर कोई भी काम ऐसा होगा इनके जीवन में जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त होने वाली है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।